फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल सोनिस किचन दोस्तों आज की की हमारी रेसिपी है गोट हेड चना दल की करी यानी कि दाल मुंडी ये रेसिपी एकदम महाराष्ट्र में बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है आप अगर नॉन वेजिटेरियन है और आप गोट हेड खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखे पसंद आए तो लाइक करना ना भूले चलिए आज की मजेदार से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले दाल मुंडी के लिए मसाले की तैयारी करते हैं मैंने यहाँ पे तीन बड़े चम्मच लिया है सूखा नारियल जिसको मैंने घिस करके लिया है एक बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे खसखस और दोनों को हल्का सा भून लेंगे जैसे ही खसखस चटकने लगेंगी इसको भूनना हम बंद करेंगे अगर ज्यादा भूनेंगे तो खसखस जल जाएगी और चटकते चटकते बाहर गिर जाएगी हल्का सा भून कर लेने से इसकी एरोमा बहुत अच्छी आती है और ये देखिए ये भून चुकी है देखिए दोस्तों इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम एक मिक्सर जार में लेकर इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे और ये देखिए ये हमारा मसाले का पाउडर रेडी हुआ है इसको हम एक बोल में ले लेंगे अब हम हरा मसाले का एक पेस्ट रेडी करेंगे तो उसी मिक्सचर जार में ले लेंगे एक मुट्ठी भर के धनिया पत्ता डंठल के समेत लेंगे और एक इंच का अदरक जिसको मैंने काट करके लिया है एक से डेढ़ इंच अदरक ले ले और पतला पतला काट कर डाल दे तीन से चार हरी मिर्ची या फिर तीखा कम खाते तो कम कर सकते हैं मुट्ठी भर का धनिया पत्ता डंठल के साथ बस इसको हमें थोड़ा सा पानी डाल करके पीस कर तैयार कर लेना है और ये देखिए हमारा हरा मसाले का पेस्ट भी रेडी हो गया यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कभी भी आप मुंडी या फिर पाया पका रहे हो तो हमेशा इसको कुकर में ही बनाए कढ़ाई या पतीले में बनाने की कोशिश ना करें उससे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पकेगा मटन और बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा ये कुकर में ही पकानी चाहिए कुकर में पकने के बाद आप देखेंगे इसकी आउटर साइड एकदम जेली जैसा हो जाता है यही साइन है कि मटन अच्छे से पक गई है तो मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है इसमें लिया है दो सर्विंग स्पून तेल इसमें मैं डाल रही हूँ एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा एक छोटी चम्मच जीरा दो छोटी इलायची खोलकर डाला है और एक तेज बस इतना ही हमें खड़े मसाले नहीं हैं। खड़े मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे रखकर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे तब हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लहसुन की क्वांटिटी कम ना करें दोस्तों इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी तीन बड़े चम्मच बारीक काट कर लहसुन डालेंगे और लहसुन को हल्का सुनहरे कलर में आने तक भून लेंगे लहसुन भून चुकी है अब हम इसमें चार मीडियम साइज के प्याज पतले पतले और लंबे लंबे काट कर डालेंगे प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर रखकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे इसलिए रखना है कि ये इवनली भुनेगी एक एक तरह से भुनेगी तब तक चलिए मसालों को तैयारी करते हैं यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आप अगर तीखा कम खाते तो कम करें आधी छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे अच्छी कलर आएगी और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच मीट मसाला पाउडर ये मेरा घर का बना हुआ है आप कोई भी मीट मसाला या फिर गरम मसाला पाउडर ले सकते हैं आधी छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और अच्छे से मिला लेंगे सारे पाउडर मसालों को पाउडर मसाले सारे रेडी हो चुकी है और यहाँ पे प्याज भी भून कर तैयार है देख सकते हैं प्याज की कलर बहुत ही अच्छी आई है अब हम इसमें डालेंगे हमारा हरा मसाले का पेस्ट हरा मसाला का पेस्ट डालने के बाद हम कम से कम तीन मिनट के लिए इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए ये देखिए दोस्तों हरा मसाला पक चुकी है अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे इसमें मिक्स करके रखे हुए सारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे मिला लेंगे साथ में इसमें डाल देंगे एक तिहाई कप दही दही को मैंने फेट करके लिया है ज़्यादा खट्टा दही ना लें दही डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे अब मसाले अच्छे से पक जाए इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ तीन बड़े चम्मच पानी सेम मिक्सर जार में मैंने पानी डालकर रखा था ये पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तीन मिनट के लिए कम से कम ये मसालों को हम पकाएंगे फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे देखिए दोस्तों मसाले पक चुकी है कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया है इसकी अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोट हेड मीट गोट के हेड यानी कि मुंडी को जला करके वॉश करके फिर इसको कट करके रेडी किया है और ये मैं बाहर से ही करके लाई हूं इसलिए सारा प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकती ये मीट कम से कम 700 ग्राम है अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे कम से कम पांच से सात मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे अभी ऑलरेडी ये रोस्टेड है फिर भी हमें मसालों के साथ इसे पांच मिनट कम से कम भूनना है मीट अच्छे से अभी भून चुकी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी पानी हम इसमें इतना ही डालेंगे जिससे कि मीट के पीसेस डूब जाए बहुत ज़्यादा पानी ना डालें नहीं तो ग्रेवी एकदम पतला हो जाएगा आप देख सकते हैं पानी मैंने कितना डाला है अब हम इसमें सूखा नारियल और खसखस को जो हमने पाउडर बनाकर रखा था वो ऐड करेंगे मिला लेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें पाँच विजिल आने देंगे फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे पाँच विजिल आने तक हमें ये मीट को पकाना है कुकर में पांच सीटी लगने के बाद फ्लेम को ऑफ करके कुकर को अपने आप ठंडा होने दे कुकर का ढक्कन खोलने से पहले विजिल को उठाकर एक बार जरूर चेक कर लें अब हम एक बार इसे मिला लेते हैं चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे तो कंसिस्टेंसी परफेक्ट है ना पतला है ना गाढ़ा है बहुत ही बढ़िया है मीट के पीस उठाकर चेक करेंगे ये पकी है कि नहीं अब हम इसमें एक फोक इंसर्ट करेंगे अगर फोक इजीली इंसर्ट हो रहा है इसका मतलब मीट पक चुकी है या फिर इसकी आउटर साइड आप देखिए एकदम जेली जैसा हो गया है आप मुंडी लेते या फिर पाया लेते हैं तो पकी है कि नहीं जानने के लिए इसकी आउटर साइड आप देखिए एकदम जेली जैसा हो गया इसका मतलब ये पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे आधा कप भिगे हुए चना दाल चना दाल को मैंने भिगो करके रखा था दो घंटे पहले ये भीग चुकी है अब हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल डालने के बाद मिला लेंगे या तो इसमें कोई भी ढक्कन ढक्कर धक आप 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका ले या फिर कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें दो सीटी लगा ले चना दाल डालने के बाद कुकर में दो सीटी और लगाकर कुकर को ठंडा कर लिया है अब चलिए चेक करते हैं वाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कलर भी बहुत ही बढ़िया है इसकी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बना है ना पतला है ना गाढ़ा है चलिए चेक करते हैं दाल पकी है कि नहीं और ये देखिए दाल भी पक चुकी है ध्यान रखें दाल को हमें स्मैश नहीं करना है दाल अपने ही शेप में रहे बस पक जाए अब हम इसमें फाइनली मुट्ठी भर का कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे और किस बात की देरी चलिए फटाफट से इसको गर्मा गर्म, -गर्म सर्व करते हैं लीजिए दोस्तों तैयार है डिलीशियस दाल मुंडी आप इसे राइस या फिर किसी भी प्रकार के रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें मेरे घर में तो चावल के रोटी के साथ ये रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है आप बताएं आपको कैसे खाना पसंद है इसे और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन क्लिक करें फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर